thank you गुल फ्रॉम सैलान बाई गुल एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल वन सेगेन फ्रेंड्स आज जो है ये वाला जो खूबसूरत सा मेकअप और ये वाली जो लेटेस्ट सी स्टाइलिंग है ना वो आपके साथ शेयर करेंगे फ्रेंड्स इसके अलावा आज, आज आपके साथ डिटेल वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है फ्रेंड्स आपने कहीं से मिस नहीं करनी कि आपको लॉन्ग लास्टिंग बेस चाहिए तो उसमें आपको करना क्या है तो जनाब आपको करना क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये करना है कि आपको आपकी स्किन जो है वो प्रिपेयर करनी है मेकअप के लिए ठीक है फ्रेंड्स अभी जो है हमने अपनी जो मॉडल है उसकी स्किन जो है प्रिपेयर कर ली है फ्रेंड्स सबसे पहले आपने क्या करना है आपकी कलर आपका अगर डस्की है टैन कलर है वीटिश है आपका फेयर है कुछ भी है आपको आपकी स्किन जो है वो प्रिपेयर करनी है आपको सबसे पहले अपनी स्किन का सी टी एम करना है फ्रेंड्स आपको सी टी एम मीन आपको सबसे पहले क्लेंजिंग करनी है फिर टोनिंग करनी है फिर उसके बाद आपको मॉइस्चराइज करना है फ्रेंड्स अगर आप इस तरह से इस मेथड के साथ अपनी स्किन को प्रिपेयर करने के बाद बेस रेडी करते हैं तो आपकी बेस लॉन्ग लास्टिंग होगी और जैसे जैसे टाइम गुजरेगा आपकी बेस जो है उसमें ज़्यादा ग्लो भी आएगा फ्रेंड्स सेकेंडली वो ये कि आपको आपकी स्किन कलर आपका जो स्किन का टोन है उसके अकॉर्डिंग आपको बेस किस सलेक्शन का पता हो कि आपको किस तरह अभी फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँगी ये वाला जो हमारे पास है ये वाला थोड़ा सांली रंगत में हमारे हमारी मॉडल जो है वीटिश कलर है बट इनकी जो स्किन है माशाल्लाह बहुत अच्छी बहुत प्रिपेयर अभी हम कर चुके हैं इनकी क्लिनिंग भी की है टोनिंग भी की है और इनको मॉइस्चराइज भी कर लिया है अभी हमारी स्किन जो है वो रेडी है मेकअप के लिए तो फ्रेंड्स आपने भी जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है और लॉन्ग लास्टिंग बेस की डिमांड करता है तो आप उससे बोले कि हम कोई जादूगर नहीं है हमारे पास कोई ऐसा मैजिक नहीं है कि आपकी स्किन जो है वो प्रिपेयर भी नहीं है और हम उसको जो है लॉन्ग लास्टिंग ट्वेंटी की आपको गारंटी दें कि हमारी बेस जो है ना वो ट्वेंटी फोर आवर्स लॉन्ग लास्टिंग है तो फ्रेंड्स इस तरह से जनाब सबसे पहले हमने अपनी स्किन को प्रिपेयर करना है मस्ट उसके बाद फ्रेंड्स आपने प्राइमर यूज़ करना है पोर्स ओपन हैं अगर आपका मिनिमाइज़ होता है समर में जो है आपको प्राइमर यूज़ करना है बिकॉज़ जो आपके पोर्स होता है ये जो हमारा प्राइमर होता है पोर्स को मिनिमाइज़ करता है और आपके जो बेस है उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाता है तो फ्रेंड्स अभी जो है मैंने प्राइमर जो इनकी फेस पे एप्लीकेशन कर दी है फाइव मिनट्स के लिए तो उसके बाद फ्रेंड्स आपको जो चूस करना करना है है वो क्या करना है? कि आपकी बेस की सिलेक्शन आपको कैसे करनी है अगर आपके बेस की तो आप उसको, वन वन, उसको जनरली जो है फेयर में लेके आएंगे आप फौरन ही से वाइट कलर की बेस पकड़ के उस पर अगर एप्लीकेशन करेंगे तो वो थोड़ा ही टाइम गुजरेगा तो वो आपकी बेस जो है वो ग्रे हो जाएगी और पहले से भी गंदा सा अजीब सा कलर आपके स्किन का लगेगा तो फ्रेंड्स आपने क्या करना है बेस मेरी काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स थी थैंक्स टू ऑल लवली फ्रेंड्स जो मेरी बेस जिनको वो लाइक करती हैं उनको आज जो था मेरे सैलॉन पे वन डे वर्कशॉप थी तो मैंने उनको लाइव डेमो किया था इस तरह से बेस का तो माशाला से सब ने अप्रिशिएट किया कि जितना पिक्चर्स में वीडियोस में बेस अच्छी ग्लोइंग सी फ्रेश लग रही होती है उससे कहीं ज्यादा अच्छी जो थी वो रियल थी तो फ्रेंड्स उसमें यही होता है कि आपकी बेस की सिलेक्शन कलर की सिलेक्शन और फिर उसके बाद आपकी स्किन की जो प्रिपेशन है वो अगर अच्छी है तो आपकी बेस बहुत अच्छी होगी तो फ्रेंड्स अभी मैंने चाइनीज यूज़ किया था चाइनीज के बाद जो था मैंने इनके फेस पे फोर्टी फाइव क्रेलॉन में, में यूज़ किया था उसके बाद फ्रेंड्स थोड़ा सा आपके पास कोई भी फेयर कलर में अगर आपके पास लिक्विड बेस है तो आप लाइट्स वो ऐड कर दें बिकॉज लिक्विड बे बहुत फेयर कलर अगर आप कर लेंगे इस तरीके से इस मेथड से तो आपका जो बेस uh, का कलर है वो कभी भी ग्रे नहीं होगा फ्रेंड्स ये हंड्रेड परसेंट श्योर मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आपकी बेस लॉन्ग लास्टिंग भी होगी अगर आप इस मेथड से वर्क करती हैं ब्राइडल बेस बनाती हैं तो फ्रेंड्स अभी जो है मैंने इसमें जो था आइवरी बिकॉज़ हमें फेयर बेस चाहिए थी हमें थोड़ी ब्राइडल अपनी जो थी ग्लोइंग ग्लोइंग सी चाहिए थी फेयर फेयर चाहिए थी तो इस वजह से मैंने इसमें आइवरी 45 और उसके बाद जो मैंने इसका लास्ट वाला नेचुरल कलर होता है शेफर में जो कि मिनरल्स हैं बहुत जबरदस्त हैं और मैं बहुत लाइक करती हूँ इनको मुझे इनके रिजल्ट और मेरे सलोन पर पार्टी मेकअप और ब्राइडल मेक नेशनल सी बेस की लुक आती है ना वो आती है तो फ्रेंड्स बेस जब आपकी मिनरल बेस जब आपकी नाइन्टी परसेंट नाइन्टी फाइव परसेंट बिल्कुल ड्राई हो जाए बिल्कुल वेट बेस पे आपने इस तरह से उसको जो है वो प्रेस नहीं करना जब आपकी बेस जो है वो नाइन्टी फाइव नाइन्टी परसेंट ड्राई हो जाए फिर आपने अच्छे से उसको अपना ब्यूटी ब्लेंडर ले उसके साथ करना है तो फ्रेंड्स अभी जो था मैंने इनको फेस पाउडर यूज़ किया उसके बाद लूज़ पाउडर फ्रेंड्स अंडर आइज़ जो है मैं बहुत ज़्यादा लूज़ पाउडर जो है वो यूज़ करती हूँ अगर फ्रेंड्स आपका कोई क्लाइंट आपको कहता है कि इतना ज़्यादा पाउडर तो आप उनसे बोलें कि हमें फ्री में नहीं मिलता बहुत कॉस्टली है कॉस्मेटिक्स तो हमें ये ज़रूरत है इसकी तो हम यूज़ करते हैं तो फ्रेंड्स एट द एंड जब आप जितना आपकी स्किन को इसकी ज़रूरत होगी आपकी स्किन उसको ऑब्जर्व करेगी उसके बाद एक्स्ट्रा जितना भी एक्सेस पाउडर होगा ना वो आप जब उसको सिंपल प्लेंट ब्रश के साथ फाल डस्ट आउट करेंगे वो आपका स्किन जो है वो बिल्कुल क्लीन होगा इसके अलावा फ्रेंड्स अंडर आईज में जो पाउडर रखने का जो बेनिफिट है वो आपको ये मिलेगा कि आपका जितना भी एक्सेस आपके आईशैडो के जो भी पार्टिकल्स होते हैं जो भी आपके आईशैडो नीचे फॉल आउट होता है वो जब आप एट द एंड उसको क्लीन करते हैं प्लेन ब्रश के साथ तो बिल्कुल नीट आपकी जो स्किन है ना वो आपको मिलती है तो फ्रेंड्स दो ये रीजंस हैं जिस वजह से मैं

जाके जब आपका लाइनर लगता है तो वो बिल्कुल मैसी सा हो जाता है बिल्कुल खराब हो जाता है सेकेंडली आप क्या करें कि आप लाइनर का यूज मत करें दूसरा ऑप्शन जो मैं आपको दे रही हूँ अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ आप उन उनपे स्मोकी आइज़ करें उन उनपे आप जस्ट लैशेस लगाएं और लैशेस को ऊपर से जो है जस्ट क्लीन कर दें आप बिल्कुल प्रॉपर वाला जो विंग लाइनर या इस तरह की चीज़ है वो ना करें अगर आपको हुडिड आइज़ पे विंग लाइनर क्रिएट करना है तो फिर आपने बिल्कुल हंड्रेड परसेंट वाटर प्रूफ जो है वो यूज़ करना है अदरवाइज़ क्या होगा कि आपका जो लाइनर है अगर समर में आप कर रहे हैं स्वेटिंग आती है या ब्राइडल जो है वो अगर उसकी आंख में से पानी आता है तो आपका जो वो जितना भी आपने वो लाइनर लगाया उसकी नीटनेस बिल्कुल भी नहीं होगी और वो लाइनर जो है बिल्कुल मैसी सा हो जाएगा तो फ्रेंड्स इस तरह से जो था इनके आईब्रोज कलर फ्रेंड्स यूज़ में जो करती हूँ वो ब्राउन कलर में करती हूँ बिकॉज़ मोस्टली हमारी जो मॉडल्स हैं हमारी ब्राइड्स हैं उनका जो है वो स्ट्रीक्स होती हैं या डाई होता है अगर आपका स्ट्रीक्स या डाई नहीं भी है तो भी आपने क्या करना है ब्लैक कलर के अंदर थोड़ा थोड़ा सा अपने ब्राउन जो है वो ऐड कर लेना है और इस तरह से आपने जो है अपने आईब्रोज क्रिएट करने हैं आईब्रोज़ फ्रेंड्स अगर आप अपनी मर्जी से जो है उनकी शेप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं जो भी आपकी विश हो अगर आप राउंड में आपको अच्छे लगते हैं अगर आपको आर्च वाली शेप अच्छी लगती है आप अपनी मर्जी से वो अपनी शेप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं ठीक है फ्रेंड्स अभी जो था मैंने इनकी बहुत स्मोकी आइज़ की थी बट बट मैंने बहुत हार्श वाली जो एक लुक होती है बिकॉज़ उसको जो है हर कोई कैरी नहीं कर सकता तो इसलिए हम जो है मैं अपनी मोस्टली अपनी ब्राइड्स के करूँ या पार्टी मेकअप में करूँ मैं उस पर थोड़ा सा ग्लीटर ऐड कर देती हूँ ताकि जो हमारा आइस मेकअप है बहुत ज़्यादा शार्प ना लगे बहुत ज़्यादा ओवर ना लगे बिकॉज हमारे यहाँ जो लिपस्टिक है फ्रेंड्स अगर हम हाँ बहुत ज़्यादा डार्क वाला ब्लैक जेट ब्लैक वाला आप स्मोकी आइज़ करते हैं तो उसके साथ जो लिपस्टिक है ना वो बिल्कुल न्यूट सी बिल्कुल स्किनी सी होनी चाहिए बट हमारे यहाँ वो इतना जो है वो लाइक नहीं करती ब्राइड्स उनको होता है कि हमारी लिपस्टिक थोड़ी प्रोमिनेंट हो थोड़ी अच्छी वाली हो तो मैंने इनको जो था पिंकिश सी लिपस्टिक की थी आप इसके साथ पीच लिपस्टिक भी कर सकते हैं स्किनी एक कलर आता है वो भी बड़ा अच्छा खूबसूरत लगता है तो आप कोई भी इस तरह की जो इसके साथ लिपस्टिक करेंगे अभी फ्रेंड्स आपके साथ लिपस्टिक मैं शेयर करती हूँ तो फ्रेंड्स लाइनर जो था मैंने जस्ट जो इनकी आईज आई लैशिज लगाई थी ना मैंने उनको जस्ट कवर किया था तो फ्रेंड्स अभी जो है फिक्सिंग स्प्रे मैंने किया है इनके फेस पे तो फुल ओवरऑल जो जितना आपका फेस है आपने फुल फिक्सिंग स्प्रे करना है ठीक है मेकअप फिक्सर तो आपको मार्केट में इजीली मिल जाते हैं आपने जितनी देर में आपका जो है मेकअप फिक्सर वो तो ड्राई होता है उतनी देर में आप अपनी लिपस्टिक डन कर ले और फ्रेंड्स आपको मैंने बहुत बार अपना हाइलाइटर दिखाया भी है और बताया भी है कि बहुत ज्यादा ब्रांडेड हाइलाइटर अगर नहीं भी है आपका नॉर्मल सी रेंज में 350, 400, 500 तक की रेंज में भी अगर आपके पास हाइलाइटर है तो आप जो है फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी स्किन पे आफ्टर मेकअप आफ्टर कंट्रोल आफ्टर ब्लश आप अपनी मे, जो मेकअप फिक्सर मिलते हैं मार्केट में अच्छे से मेकअप फिक्सर जो है उसकी अप्लीकेशन करें उसके बाद लिपस्टिक लगाएं जितने देर में आपका जो मेकअप फिक्सर है वो ड्राई होगा उतनी देर में आप अपना जो है लिपस्टिक डन करें तो लिपस्टिक डन करने के बाद जब आपकी स्किन बिल्कुल आपको लगे अभी ड्राई है मेकअप फिक्सर हमारा जो है फिक्स हो चुका है उसके बाद आप हाई करेंगे तो आपका नॉर्मल सा हाई भी बहुत अच्छे अच्छे ब्रांडेड जो हाई लाइटर्स है ना जो मार्केट में सेवन थाउजेंड एट थाउजेंड टेन थाउजेंड में मिलते हैं आपको उसी के जैसा लगेगा ठीक है फ्रेंड्स बस जस्ट आपने करना क्या है आपने एट द एंड थोड़ा सा अपने हाइलाइटर को या हाइलाइटर ब्रश को आप वेट कर ले उसके ऊपर आप अपना नॉर्मल सा जो हाइलाइटर है वो लगाएं फ्रेंड्स कुछ चीजें ऐसी होती हैं कुछ मेरी ब्यूटिशंस सिस्टर्स जो हैं कुछ बिगनर्स जो हैं वो इस तरह से हैं जिनका जो अफोर्ड नहीं करती तो फ्रेंड्स एक दो मुझे कमेंट्स भी आए हुए हैं कि अफोर्डेबल बेस बताएं तो फ्रेंड्स मैं आपको आ, कितनी बार ये बता चुकी हूँ कि आप अफोर्ड अफोर्डेबल बेस में शेफ़र यूज़ कर लें आप क्रिस्टाइन यूज़ कर लें ये वाली अफोर्डेबल भी हैं इनकी जो है टाइमिंग ये लॉन्ग लास्टिंग भी हैं और बहुत अच्छे इनके रिज़ल्ट भी हैं ठीक है फ्रेंड्स आप ये यूज़ करें आपको इनके रिज़ल्ट इनशाला अच्छे मिलेंगे ये वाली बेसिस भी आप यूज कर सकते हैं बिकॉज uh, आपको जैसे कि पता है कि बहुत सी जो ब्रांडेड हमारी बेस हैं माशा बहुत अच्छी हैं बहुत जबरदस्त उनके भी रिजल्ट हैं बस कुछ मेरी फ्रेंड्स जो है वो अफोर्ड नहीं करती तो वो ये वाली बेस जो शेफर बेस है ना ये नॉर्मल रेंज में है नाइन फिफ्टी आई थिंक नाइन फिफ्टी थाउजेंड इतनी रेंज में आपको ये मिल जाएगी और आप जो है इससे काफ़ी ज्यादा अपनी ब्राइडल्स अपने पार्टी मेकअप्स कर सकते हैं और अच्छे अच्छे वाली कमेंट्स भी आपको मिलेंगे ये वाली लॉन्ग लास्टिंग है मेज, शेफर वाली ठीक है फ्रेंड्स मैं जो हूं मैं मेरे पास ऑलमोस्ट जो है शेफर बेस और उसके अलावा जो है क्रेलॉन बेस और उसके अलावा लिक्विड में फ्रेंड्स मैं यूज करती हूँ लेक में ठीक है तो फ्रेंड्स ये है जनाब हमारी ब्राइडल की अगर फुल फेस की इनकी आ, हमें परमिशन होती तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करती फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिएगा थैंक्स फॉर वाचिंग अल्लाह वॉचिंग please